हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इटेडिया पे। मैं विनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। इससे पहले हम लोग ने मुगल कालीन जो प्रमुख शासक थे उन सभी के संबंध में पढ़ा था, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के आप मध्यकालीन भारत के सभी वीडियोज देख सकते हैं। अब मात्र दो वीडियो बचे हुए हैं, जिसमें आज हम लोग औरंगजेब और अगले वीडियो में हम लोग मुगल प्रशासन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज के इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा औरंगजेब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि शाहजहां की मृत्यु के अंतिम दिनों में एक उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से उसके जो चारों पुत्र थे वो आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें से अगर विजयी होकर के जो सम्राट बनता है वो कौन बनता है, तो वो बनता है औरंगजेब। 1658 में उसने अपने पिता को कैद में डाला और शासक बन गया, और यहाँ से वो 1707 तक बना रहता है। इस प्रकार से लगभग 50 वर्षों तक उसने शासन किया, और इस प्रकार से अकबर के बाद लंबा कार्यकाल जो है वो औरंगजेब का देखने को मिलता है। तो एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में औरंगजेब को जाना जाता है मुगल वंश के शासनकाल के दौरान। तो औरंगजेब से जुड़ी हुई वे कौन से बिंदु हैं जिनसे जोड़ करके प्रश्न जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा औरंगजेब के बारे में एक समझ विकसित करने के संबंध में आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले पहले उसको देख लेते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे परिचय के संबंध में, जो कि एक परिचय जो कि औरंगजेब से संबंधित है। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो औरंगजेब के बारे में आपकी समझ को बढ़ाएगा। इसके अलावा औरंगजेब के समय दो तीन चीज़ें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही, जैसे औरंगजेब ने अपने शुरुआती 25 वर्ष जो है वो उत्तर भारत में संघर्ष करते हुए बिताए, जबकि अंतिम 25 वर्ष उसने दक्षिण भारत में संघर्ष करते हुए बिताए। तो प्रमुख विद्रोह जो औरंगजेब के समय हुए थे एवं प्रमुख लड़ाइयाँ जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी, उसके संबंध में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदु भी हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं परिचय पार्ट पे। तो औरंगजेब जो कि शाहजहां का पुत्र था, उसका जन्म जो है वो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दोहद उज्जैन में हुआ था। इसके डेट को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए आप ईस्वी जरूर याद रखिएगा कि 1618 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ था और दोहद में हुआ था। ये भी कई बार प्रश्न पूछता है और किस क्षेत्र में पड़ता है, ये तो उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन के दोहद में औरंगजेब का जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां के चार पुत्रों में से ये एक था, और जिसने संघर्ष किया, आपस में उत्तराधिकार की लड़ाइयां लड़ी, और फाइनली जो है वो विजय पताका किसके पक्ष में जाता है, तो औरंगजेब के पक्ष में जाता है। बात करें इसके माता की, तो मुमताज़ महल के नाम से वो फेमस रही हैं, जबकि उनका पूरा नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम के ही चार संतानों में से एक संतान जो है वो औरंगजेब थे पुत्रों में। इसके अलावा बात करें तो औरंगजेब की दो बार राज्याभिषेक होते हैं। इसका कारण यह है कि औरंगजेब जो है वो उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहा होता है, जिसमें धर्मगढ़ का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध जो है वो 1658 में वो जीतता है, और उसके बाद वह जो है पहली बार जो है राज्याभिषेक करा लेता है जुलाई 1658 में। लेकिन आगे भी उसका जो विद्रोह है वो दारा शिकोह के साथ चलता रहता है, और फाइनली जब उसने जो है देवराई के युद्ध में दारा शिकोह को पराजित कर दिया, और इस तरह से उसने जून 1659 में जो है फाइनली जो है उसने गद्दी प्राप्त की। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि वह मुगल शासक जिसने दो बार जो है राज्याभिषेक कराया, तो दिल्ली के क्षेत्रों में दो बार राज्याभिषेक कराने वाला जो है वो औरंगजेब है। जबकि अकबर के संबंध में भी आपने पढ़ा था कि अकबर ने पहले जो है वो पंजाब के क्षेत्र में राज्याभिषेक करवाया, उसके बाद उसने दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में आकर के जो है राज्याभिषेक करवाया था। तो अकबर से भी जुड़ा हुआ है दो बार और औरंगजेब से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न की मांग के अनुसार आप उत्तर का चयन कर सकते हैं। इसने जब फाइनली गद्दी प्राप्त की तो एक उपाधि धारण की, जो कि काफ़ी बार प्रश्न में पूछा जाता है, अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। तो बहुत लंबा चौड़ा ये जो है उपाधि है, इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है, मुजफ्फर मुहिउद्दीन, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा आलमगीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता था, तो ये प्रश्न भी बन जाता है कि आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था। तो औरंगजेब जो है वो आलमगीर के नाम से जाना जाता था। बात करें औरंगजेब के गुरु की, तो मीर मोहम्मद हकीम जो है वो उसके गुरु थे, और इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए याद रख सकते हैं कि मीर मोहम्मद हकीम जो है वो औरंगजेब के गुरु थे। और बात करें औरंगजेब ने तो एक ही शादी की थी, पत्नी जो उसकी थी वो रबिया उद्दौरानी या दिलरास बानो बेगम के नाम से चर्चित रहीं। उनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग बाद में देख लेंगे।
इसके अलावा लास्ट में देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 ईस्वी में होती है। इसको डेट को लेकर के भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। इसकी मृत्यु दौलताबाद यानी दक्षिण के भारत में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुई थी और उसी क्षेत्र के आसपास जैम उल हक जो एक सूफी संत थे उनका मज़ार है, उसी मज़ार के पास उसको दफना दिया गया था। और इसने कहा था कि हमारे लिए जो है किसी भी प्रकार का मकबरा नहीं बनाया जाए, तो इस तरह से उसकी मृत्यु के बाद उसके अवशेषों पर मकबरा नहीं बनवाया गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके परिचय के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो आपने देख लिए होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा जन्म, जन्म के बाद पिता और माता के संबंध में पढ़ा जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा उसके राज्याभिषेक के संबंध में, उसकी उपाधि के संबंध में, उसके गुरु के संबंध में और उसके मृत्यु के संबंध में। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे जुड़े हुए बिंदु को अगर हम लोग समझते हैं तो औरंगजेब के बारे में काफी कुछ हम लोगों को जानकारी मिल जाएगी। जैसे औरंगजेब क्या था, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान के रूप में शासन करना शुरू करता है। इसका रीज़न ये था कि वो इस्लामिक शासन व्यवस्था को लागू करना चाहता था और इसके लिए वो इस्लाम में जो भी ऐसी व्यवस्था थी जिसे वो लागू करना चाह रहा था, इसी कारण से वो एक कट्टर मुसलमान शासक के रूप में जाना जाता है। इससे पहले जितने भी मुगल शासक हुए थे उसमें किसी में भी इतनी कट्टरता इस्लाम को लेकर के नहीं देखी जाती है और यह पूरी तरह से सुन्नी व्यवस्था और इस्लाम व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करता है। और इसके लिए उसने कई ऐसे कदम उठाए जो कि एक शासक के तौर पे गलत थे, क्योंकि एक शासक की जिम्मेदारी उसके साम्राज्य में रहने वाले सभी प्रजा के प्रति समान होती है। इसने उन सारे गुणों को जो है छोड़ दिया और एक कट्टर शासक के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया। आइए देखते हैं उसने क्या किया। उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए और साथ ही साथ उसने 1665 में मंदिरों को तोड़ने संबंधी आदेश निकाला। इसके अलावा इस्लाम परंपरा के अनुसार जो भी व्यवस्थाएं उसे लगी कि गलत है उन सब को उसने बंद कराने का आदेश दिया। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर हो, जहांगीर हो या शाहजहां, सभी ने संगीत, चित्रकला, नाच गान सबको प्रोत्साहन दिया और उसे अपने दरबार का एक अंग बना लिया था, लेकिन औरंगजेब ने उन सबको बंद करा दिया। जैसे दरबार में होने वाले संगीत नृत्य पर भी उसने प्रतिबंध लगा लिए। इसके अलावा चित्रकला पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद जितने भी दरबारी और जो बाहरी चित्रकार थे जो मुगल शासन के दौर में फल फूल रहे थे उन सबको दिल्ली छोड़ना पड़ा और बाद में वही चित्रकला जो है भारत के अलग अलग भागों में फैल गई, जिसे हम लोग कोटा शैली या पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। तो ये मुगल सत्ता के दौरान जो औरंगजेब की शासक नीति थी उसी का परिणाम था। तो उसने ये सब चीज पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। न केवल उसने इस पर प्रतिबंध लगाया बल्कि उसने यह घोषणा कर दी कि कुरान के आधार पर ही शासन होगा, अर्थात शरीयत के आधार पर ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी और इसके लिए जो भी चीजें गैर कानूनी है यानी गैर पारंपरिक है इस्लाम के अनुसार उन सबको बंद कर दिया जाएगा। इस क्रम में उसने क्या किया, नवरोज त्योहार जो मनाया जाता था उसको बंद करवा दिया, झरोखा दर्शन जो शासक के द्वारा झरोखा दर्शन देने की परंपरा चलाई गई थी उसे भी उसने बंद करवा दिया, तुलादान जिसकी शुरुआत जो है अकबर ने की थी जिसमें राजा के वजन के बराबर सोने चांदी के सिक्के तौले जाते थे और उसे दान के रूप में बांटा जाता था, इस प्रथा को भी उसने बंद करा दिया, तिलक करना यानी राजपूत राजाओं को तिलक राजा के द्वारा किया जाता था और उसे दरबार में एक उचित स्थान दिया जाता था, इस परंपरा को भी उसने बंद कर दिया। इसके अलावा सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी उसने बंद कर दिया, क्योंकि सिक्के जो है वो हिंदुओं के पास भी जाते थे, ऐसे में वो इस्लामिक कलमा खुदे हुए सिक्के उनके पास न जाए इसलिए उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। सिजदा पाबोस जैसी प्रथाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि वो इस्लाम की मान्यताओं के विपरीत थे। इसके अलावा उसने कई ऐसी प्रथाएं थी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों में जारी थी जो इस्लाम के विरुद्ध उसे लगा उसने सभी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं कि उसने संगीत और नृत्य पर जरूर बैन करवाया था लेकिन वह स्वयं जो है वो वीणा बजाने में काफ़ी उस्ताद था। तो ये एक प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को अच्छे ढंग से बजाने में सक्षम था, तो वीणा। और जब अकबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था तो अकबर जो है वो नगाड़ा बजाने में संपन्न माना जाता था।
बात करते हैं तो उसने क्या किया कि ये सब प्रथाएं तो बंद की ही, इसके अलावा उसने दरबार में जो होली खेलने की प्रथा थी, दिवाली मनाए जाने की प्रथा थी, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा कुछ सामाजिक प्रथाओं जैसे समाज में जो वैश्यालय चलाए जाते थे शहरों के पास, उन्हें भी उसने बंद करवा दिया और वैश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को या तो शादी करने के लिए कहा गया या फिर उसे जो है ये व्यवसाय छोड़ने के लिए कहा गया। इस प्रकार से उसने सभी ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जो उसे लगता था कि इस्लाम परंपरा के खिलाफ है, तो उसने उस सारी प्रथाओं को बंद कर दिया और उन प्रथाओं को फिर से शुरू किया जो इस्लाम प्रथा के उसे लगा कि अनुकूल है। इस क्रम में उसने जजिया कर जो है पुनः लागू कर दिया और हम लोगों ने पढ़ा था कि अकबर ने जो है वो जजिया कर बंद करवाया था, तो 1679 ईस्वी में पुनः जो है जजिया कर जो है प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी बढ़ने लगी औरंगजेब के शासन काल में। इसका कारण क्या है आइए देखते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था, औरंगजेब ने घोषणा की थी कि वो दारुल हर्ब अर्थात गैर मुसलमान देश, जो भारत है वो गैर मुसलमान देश वो मानता था कि भारत जो है वो दारुल हर्ब है, जिसे मैं दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का राज्य अर्थात मुस्लिम समाज का देश बनाना चाहता हूँ। और ये घोषणा करके उसने जो है जिहाद का नारा दिया था, यानी एक धर्म युद्ध के माध्यम से वह दारुल हर्ब देश को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। इसके लिए उसने ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो लागू की थी, उसका मुख्य लक्ष्य यही था। इसके अलावा उसने जितने भी मुसलमान शासक थे उन सभी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया ताकि वह दारुल इस्लाम के लक्ष्य को पूरा कर सके। इस क्रम में कई उसने और अन्य कार्य भी किए थे। दूसरी बात यहाँ ये भी थी कि उसने जो है कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयाँ लड़ी, इसके पीछे भी ये लक्ष्य था कि वो उनको हरा करके दारुल इस्लाम केवल बनाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि भारत जैसे देश में किसी प्रकार के इस्लाम के अतिरिक्त कोई अन्य शासक जो है वो शासन करे। लेकिन ये सारे धार्मिक कट्टरताओं के बावजूद वह नैतिक स्तर पर काफ़ी मजबूत था और काफ़ी ऊँचा माना जाता है। कारण ये था कि ना तो वो शराब पीता था, ना ही वो भांग खाता था, ना ही जो है उसने कई शादियां की थी, उसने केवल एक विवाह किया था। और इसके अलावा जो भी आचरण उसे लगता था कि इस्लाम के विरुद्ध है वो सभी आचरण उसने त्याग दिए थे। वो नैतिक स्तर पर काफ़ी मजबूत था, इसीलिए उसे जो है इस्लाम के क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा जिंदा पीर कह के संबोधित किया जाता है। यहाँ पर दो पॉइंट है जिसे जरूर याद रखिएगा, किस शासक को जिंदा पीर कहा गया है तो औरंगजेब को कहा गया है, और क्यों कहा जाता था क्योंकि वो इस्लामिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले व्यवस्थाओं को लेकर के काफ़ी नैतिक रूप से ऊंचा स्तर रखता था, जिसके कारण उसे जीवित पीर के समान माना गया है। पीर जो कि एक दरगाह के रूप में काम करता है, उसी तरह से आप जो है याद रख सकते हैं कि जिंदा पीर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो वो औरंगजेब के लिए किया गया है। बात करते हैं ये उसके नैतिक आचरण और धार्मिक उसके जो आचरण थे उसको लेकर के हम लोगों ने पढ़ा, तो स्पष्ट हो गया होगा कि उसका धार्मिक आचरण जो था वो एक कट्टर मुसलमान का था, लेकिन नैतिक आचरण जो है वो काफ़ी सशक्त और मजबूत था, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब की इस नीतियों के कारण जो है उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कई विजय भी हासिल किए थे। आइए देखते हैं उसके विद्रोह एवं विस्तार के संबंध में। सबसे पहला जो सशक्त विद्रोह जो है वो जाटों के द्वारा किया गया था, तो पहला संगठित विद्रोह जो है वो किसने किया, जाटों ने किया। जाटों का यह विद्रोह जो है वो मुख्य रूप से किसान और वहाँ के लोग जाटों के साथ बर्बरता और उन पर जबरन जो है मुस्लिम व्यवस्था थोपने के विरोध में किया गया था। जाटों के इस संगठन का नेतृत्व जो है वो गोकुल नामक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। गोकुल ने प्रारंभिक रूप में औरंगजेब को चुनौती दी, लेकिन बाद में चल करके एक तिलपत का युद्ध हुआ था 1686 के आसपास, तो उसमें जो है गोकुल की जो है वो मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, और इस प्रकार से जो है जाट थोड़े से संकट में दिखाई देते हैं। लेकिन उसी वर्ष 1686 में राजा राम जो है इस पूरे जाट संप्रदाय का जो है या समूह का जो है वो शासक बन करके आता है और बुरी तरह से जो है वो अंग्रेज को जो है चुनौती देना शुरू करता है। इस क्रम में उसने देखा कि अगर धार्मिक कट्टरता का परिचय औरंगजेब दे रहा है तो हम भी उसी प्रकार का परिचय देंगे, और इस तरह से उसने औरंगजेब को चिढ़ाने या उसको दुख पहुंचाने के लिए उसने क्या किया कि अकबर की कब्र खुदवाई
और अकबर के कब्र में से जो भी हड्डियां बाहर निकल करके आई उसने उसको जला दिया। इसका रीज़न ये था कि मुसलमान में जो है वो दफनाने की प्रथा थी और उसने जो है उसे जला करके उस धार्मिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया जो औरंगजेब हिंदुओं के साथ कर रहा था। तो इस प्रकार से यह घटना जो है वो औरंगजेब को काफ़ी दुखी कर गई और उसने राजा राम की फिर जो है हत्या करवा दी। राजा राम की हत्या हो गई, उसके बाद फिर उसका भतीजा चूड़ामन ने जो है जाटों का नेतृत्व किया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, तब तक जाट छिटपुट रूप में विद्रोह में शामिल रहते हैं और यह विद्रोह पूरी तरह से कभी नहीं दबता, लेकिन फिर भी राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का विद्रोह काफ़ी सीमित हो गया था। तो जाटों से संबंधित विद्रोह को आप इन शॉर्ट पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। इसके अलावा सनातन जो धर्म के लोग थे, सतनामियों द्वारा एक जो है विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह भी धार्मिक मुद्दे से प्रेरित था, क्योंकि औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता थी उसके खिलाफ जो है सतनामियों ने विद्रोह किया था, जो कि नारनौल और मेवात के क्षेत्र में हुआ था। और इन्हें जो सतनामी थे उन्हें मुंडिया भी कहा जाता था, क्योंकि ये बाल मुंडवा करके रखा करते थे हमेशा, इसके कारण इन्हें मुंडिया कह के भी संबोधित किया जाता था। और इन्होंने भी धार्मिक व्यवस्था का विरोध करते हुए जो है विद्रोह किया था, लेकिन औरंगजेब ने इस विद्रोह को जो है बड़ी आसानी से दबा दिया था। हालांकि इसके संबंध में कहा जाता है कि विद्रोह के दौरान उसने कई जो सेनापति थे उसकी हत्या कर दी सतनामियों ने। परिणाम ये निकला कि औरंगजेब की सेना में ये खबर फैल गई कि इनको जादू टोना आता है, जिसके कारण उन्होंने जो है औरंगजेब की सेना को हरा दिया है। परिणाम स्वरूप वहाँ के जो सैनिक थे वो डरने लगे। औरंगजेब ने भी तरीका निकाला, झंडे पर जो है वो कुछ इस्लामिक शब्द लिखवा दिए, उसमें कुछ बदवा दिया और कहा कि ये जादू टोना का काट है। और फिर उसने जो है लड़ाई लड़ी और आसानी से जो है उसने सतनामियों को पराजित कर दिया। तो इस विद्रोह को भी आप याद रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो प्रश्न की दृष्टि से, वह है सिखों का विद्रोह। सिख विद्रोह जो था वो पूरी तरह से धार्मिक व्यवस्था के विषय पर था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा विद्रोह जो है पूरी तरह से धर्म से प्रभावित था, तो सिखों का था। क्योंकि औरंगजेब का मानना यह था कि वह पूरे भारत को जो है वो इस्लामिक राज्य के रूप में बदलना चाहता है और वह सिख धर्म को भी इस्लाम में परिवर्तन करना चाह रहा था। और इस समय जो सिखों के गुरु थे वो 9वें गुरु थे तेग बहादुर। उसने ये प्रयास किया कि तेग बहादुर को ही अगर हम इस्लाम धर्म कबूल करवा देते हैं तो सारे जो उसकी प्रजा है या सिख संप्रदाय के लोग हैं वह स्वतः ही इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। इस तरह से उसने सिखों के गुरु को ही इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बुलवाया। उसने मना किया, विद्रोह किया, फाइनली उसे उठा करके दिल्ली में ले आया गया और गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में शीशगंज के पास जो है उनके सर को अलग कर दिया गया। हालांकि उस अलग करने से पहले 5 दिन जो है गंभीर यातनाएं सिख गुरु को दिया गया। इसके अलावा जो है उनके सहयोगी जो थे उनको बहुत यातनाएं दी गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। परिणाम ये निकला कि सिखों के और मुगलों के बीच की दुश्मनी और बढ़ गई। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि 2 ऐसे सिख गुरु हुए हैं जिनकी हत्या जो है वो मुगल शासकों के द्वारा की गई थी। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा, जबकि 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। तो ये किस प्रकार से ये घटना घटी थी ये आपने समझ लिया। तो 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है वो इस्लाम नहीं कबूल करने पर जो है 1675 ईस्वी में जो है वो करवा दी गई थी। इसके बाद 10वें गुरु आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु हैं सिखों के। उन्होंने भी औरंगजेब का विद्रोह किया और उनके खिलाफ जो है हमेशा लड़ाइयाँ लड़ती रही। हालाँकि इस लड़ने के क्रम में जो है उनके पुत्र भी उनसे दूर हो गए, यानी उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कभी भी औरंगजेब की अधीनता नहीं स्वीकार की। और चूंकि बाद में 1682 में जो है वो औरंगजेब चला जाता है दक्षिण में, तो वो उत्तर भारत में जो है विद्रोह को जारी रखते हैं और फाइनली जो है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सिख धर्म के लोगों और मुगलों में फिर एक प्रकार का समझौता हो जाता है बहादुर शाह के समय में, जो कि उत्तर मुगल काल में आप लोग पढ़ेंगे। तो ये था सिखों का विद्रोह के संबंध में। आइए अगले पॉइंट में आते हैं, राजपूतों का विद्रोह। राजपूत शासक जो थे वो अकबर के समय से जो है काफ़ी सहयोगी हो गए थे मुगलों के, लेकिन जब औरंगजेब आता है और उसकी धार्मिक कट्टरता सामने आती है तो राजपूत भी धीरे धीरे जो है वो मुगलों से दूर होना चाहते हैं। इस क्रम में मारवाड़ और मेवाड़ 2 प्रमुख हैं जो मुगलों के विरोधी होकर के उभरते हैं। इसका कारण ये था कि ये इनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे और औरंगजेब जो है इस पर एक प्रकार का जो है शासन करने की नीति जो है वो काफ़ी कठोर अपना रहे थे, जिसके कारण मारवाड़ और मेवाड़ ने जो है वो विद्रोह करना उचित समझा। इस विद्रोह के क्रम में दोनों को दबा दिया जाता है और विद्रोह करके जो है मारवाड़ और मेवाड़ पर विजय स्थापित कर ली जाती है। लेकिन इस बीच की एक प्रमुख घटना है जिसे हमेशा याद रखिएगा। औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर।
उस अकबर ने औरंगजेब की धार्मिक नीति और राजपूतों के साथ जो नीति थी औरंगजेब की, उससे वह प्रभावित हुआ और उसे लगा कि यह एक गलत नीति है, इसलिए उसने अपने पिता औरंगजेब का विद्रोह किया, यानी विरोध किया। विरोध करके वो पहुंचता है किन के पास? इन्हीं मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के पास। जब वह मेवाड़ के शासकों के पास पहुँचता है तो उन्हें यह अकबर को यह भरोसा दिया जाता है कि अगर तुम स्वयं को राजा घोषित कर लोगे तो हम लोग तुम्हारी तरफ से लड़ेंगे और औरंगजेब को गद्दी से हटा करके तुम्हें वास्तविक राजा बना देंगे। इस प्रकार से अकबर जो है वो इनकी बात में आ जाता है और राजपूतों के साथ जो है मिल करके जो है अपने पिता के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, लेकिन औरंगजेब उसका पीछा करते हुए पहुंचता है राजपूत क्षेत्र में और जा करके जो है उसे हराता है। इस प्रकार से राजपूत फिर बाद में उसका साथ छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक घटना है। क्या हुई कि औरंगजेब ने एक खत लिखवाया, उस खत में ये लिखा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर, कि तुमने राजपूतों के गैंग में शामिल होकर के राजपूतों को हमारे खिलाफ भड़काया और हम लोग बारी बारी से सभी राजपूतों को मार रहे हैं। इस प्रकार की एक चिट्ठी जो है वो राजपूतों के खेमे में उसने फैला दी। अब राजपूतों को ऐसा लगा कि यह औरंगजेब और अकबर की चाल है कि अकबर आकर के हमारे साथ मिल गया है और हमारे ही आदमियों को यह मरवा रहा है। इस तरह से राजपूतों को लगा कि अकबर जो है उनका सहयोगी नहीं बल्कि वह गुप्त रूप से जो है उसका शत्रु है, इसलिए उसने जो है अकबर का साथ छोड़ दिया। अब अकबर को ऐसा लगा कि अगर मैं पकड़ा जाऊँगा तो मेरे पिता के द्वारा मेरी हत्या कर दी जाएगी, क्योंकि जिसने अपने भाइयों को बुरी तरह से मार दिया था वो हो सकता है कि मुझे भी मार दे। अब अकबर यहाँ से भाग करके जो है वो जाता है शिवाजी के पास। शिवाजी थे नहीं, उनके पुत्र थे संभाजी। संभाजी ने भी उसको संरक्षण दिया, जिसके कारण जो है औरंगजेब उनका पीछा करते हुए जो है वो मराठा क्षेत्र तक पहुंचता है और अंतिम 25 वर्ष जो है वो दक्षिण भारत में ही व्यतीत कर देता है। तो आइए उन बिंदुओं पर फिर हम लोग चर्चा करते हैं। अकबर का विद्रोह राजपूतों के खिलाफ जो है सहयोग पाकर के जो है उसने विरोध कर दिया, लेकिन प्रारंभ में मेवाड़ फिर उसे जो है मराठों ने शरण दी। तो मराठों में मैंने बताया कि संभाजी के पास जो है उसको शरण मिला था और बाद में जो है वह फारस चला गया, क्योंकि मराठे भी पराजित होने लगे तो अकबर को लगा कि अब मराठे भी मेरी जान नहीं बचा सकते हैं, इसलिए वो भाग करके कहाँ चला जाता है? फारस। और फारस के जो शाह थे उसने उसको संरक्षण दिया और लंबे समय तक वो वहीं पड़ा रहा। और जब औरंगजेब की मृत्यु का बारी आती है 1707 में, उसी के आसपास जो है अकबर की भी मृत्यु जो है वो फारस के क्षेत्र में ही हो जाती है। तो इस अकबर पुत्र के बारे में भी जो है आप समझ सकते हैं कि विद्रोह की स्थिति क्या थी, और इसका विद्रोह जो था वो राजपूतों और मराठों दोनों से जुड़ा हुआ था। आइए अब हम लोग चलते हैं मराठा के। मराठों का विस्तार जो है आपने पढ़ा है कि शिवाजी के माध्यम से जो है वो प्रारंभ हुआ था, जो कि दक्षिण भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रारंभ होकर के जो है पूरे दक्षिण भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था। शिवाजी के प्रयासों को बढ़ते हुए, शिवाजी के साम्राज्य को बढ़ते हुए देख करके औरंगजेब प्रारंभ में ही सशंकित होता है, लेकिन उसका ध्यान जो है उस समय उत्तर भारत में था। उसने दक्षिण भारत में शिवाजी पर कंट्रोल करने के लिए और शिवाजी को बाध्य करने के लिए उसने किसको भेजा? आपने पढ़ा होगा कि राजा जयसिंह, जो कि एक कछवाहा राजा थे, जो अकबर के समय से ही जो है कछवाहा और मुगलों के बीच जो है वो एक वैवाहिक संबंध प्रारंभ हो गया था। तो इस प्रकार से उसने कछवाहा राजपूत राजा जयसिंह को जो है वो साउथ में भेजा शिवाजी के साथ संधि करने के लिए। और जून 1665 ईस्वी में एक संधि होती है जो कि काफी फेमस है, पुरंदर की संधि, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस संधि के तहत जो है वो शिवाजी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं और औरंगजेब की जो है एक तरह से जो है सिंबॉलिक जीत हो जाती है। और शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी बाद में 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में आते हैं, लेकिन उसे कैद कर लिया जाता है। फिर शिवाजी भागने में सफल होते हैं और दक्षिण में जाकर के पुनः जो है मुगलों की सेना से लड़ लड़ के कई किलों को उन्होंने जीत लिया था। ये घटनाएं आपको शिवाजी से संबंधित जो आधुनिक भारत की वीडियोज अपलोड है उसमें डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो शिवाजी को कैद किया गया, फिर शिवाजी आजाद हुए। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है वो उनका पुत्र संभाजी जो है वो दक्षिण में राजा बनता है। और संभाजी ने क्या किया, उसके विद्रोही पुत्र औरंगजेब के अकबर को शरण दे दिया। नतीजा ये हुआ कि 1682 ईस्वी में उसका पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत की ओर पहुंच गया
और जब वह सूबेदार था शाहजहां के समय तो वह दक्षिण का ही सूबेदार था। ऐसे में उसके दक्षिण की कई ख्वाहिशें थी जो अधूरी थी, उसको पीछा करते करते वह दक्षिण पहुंचा। दक्षिण में पहुंचने के बाद उसने शुरू में संभाजी को माफ़ किया, फिर संघर्ष किया और फाइनली संभाजी की हत्या 1689 ईस्वी में कर दी जाती है और उसके पुत्र साहू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर यहां से अकबर भाग करके जो है वो कहां चला जाता है, फारस। लेकिन वह फारस जाने के बाद भी औरंगजेब जो है वापस नहीं आता है, वो दक्षिण में जा करके दक्षिण में ही फंस जाता है। एक पॉइंट याद भी रखिएगा कि वो अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष पूरी तरह से दक्षिण में ही व्यतीत कर देता है। दक्षिण भारत में उसने क्या किया, 1682 में जाने का निर्णय लिया। उसने प्रारंभिक रूप में मराठाओं से संघर्ष की और बाद में जाकर के उसने क्या किया, बीजापुर से संघर्ष किया और बीजापुर को 1686 में पराजित करके अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। इसके अलावा उसने गोलकुंडा पर भी चढ़ाई की और 1687 में उसने जो है गोलकुंडा को भी जीत लिया और मराठों के साथ संघर्ष करते हुए उसने मराठों को भी काफ़ी हद तक तोड़ कर रख दिया, क्योंकि उसने संभाजी की हत्या कर दी और उसके बाद मराठा भी कई खेमों में बट जाते हैं। इस तरह से उसने दक्षिण भारत के जो प्रमुख विद्रोही थे उनको दबाने में वो सफल रहा। लेकिन एक कहावत भी है कि दक्षिण भारत जो है वो औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और वह अपने 25 वर्ष वहीं फंसा रह गया, उन्हें ही कंट्रोल करते रह गया और उत्तर भारत को ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है मुगलों के पतन का दौर शुरू हो जाता है। और जब आप मेंस के एग्ज़ाम देंगे या ऑनर्स पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि क्या मुगलों के पतन के पीछे औरंगजेब उत्तरदायी था। तो निश्चित रूप से उत्तरदायी था, क्योंकि उसने शासन व्यवस्था को इस तरह से फैला दिया था कि वह जो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था चली आ रही थी वो यहाँ से टूट जाती है। हालांकि इसका जो प्रमुख कारण है वो अयोग्य उत्तराधिकारी का भी होना है। तो इस प्रकार से औरंगजेब जो है दक्षिण भारत में ही 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, दौलताबाद में, और उसे वहीं पर जो है दफना दिया जाता है। आइए कुछ अन्य पॉइंट है जिनसे जोड़ करके प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उनको ध्यान देते हैं। इन अन्य पॉइंट में आए तो बात करते हैं सबसे पहले उसकी पत्नी की। तो फारस राज घराने की थी रबिया उद दौरानी, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। तो रबिया उद दौरानी या दिलरास बानो बेगम से उसका विवाह हुआ था। वो भी अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, उसने एक ही विवाह किया था। जब उसकी पत्नी का देहांत होता है तो वो उसकी याद में बीवी का मकबरा जो है बनवाता है, जो कहाँ है, औरंगाबाद में है। ये प्रश्न न जाने कितनी बार आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो औरंगाबाद में। किसका मकबरा है ये, तो दिलरास बानो बेगम या रबिया उद दौरानी का मकबरा है। इसका निर्माण उसने 1678-79 में करवाया और इसके निर्माण के बाद जो इसकी आकृति बनी वो बिल्कुल ताजमहल जैसी है, जिसके कारण इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल के नकली रूप के रूप में जाना जाता है। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि ताजमहल का जो है एक फूहर जो है कह सकते हैं नकल जो है वो किस मकबरे को कहा जाता है, तो बीबी के मकबरे को कहा जाता है। किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। किसके लिए बनवाया था, उसकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, उसके लिए उसने बनवाया था। इसके अलावा औरंगजेब ने एक और इमारत बनवाई थी जिससे प्रश्न पूछा जाता है, उसने दिल्ली के लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, तो इसे याद रखना है। बात करें औरंगजेब के समय से तो वह हिंदुओं से काफ़ी नफरत करता था और हिंदुओं के खिलाफ जो है उसने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन उसने जो है मुगल सेना में जो है वो हिंदुओं को काफ़ी जगह दिया और पूरे मुगल शासनकाल के दौरान इतने हिंदू सेनापति किसी के शासनकाल में नहीं थे। इसने क्या किया था कि हिंदू सेनापति का जो रेशियो है वो कुल सेनापति का 1/3 अर्थात 33% जो है वो हिंदू सेनापति उसने रखे थे और बाकी जो बच गए आपको 66% से ज़्यादा वो जो है मुस्लिम सेनापति रखे गए थे। तो इस प्रकार से 2/3 जो है वो मुस्लिम सेनापति होते थे जबकि 1/3 जो है वो हिंदू सेनापति होते थे, और ये प्रश्न कई एग्जाम में पूछा भी गया है। इसके अलावा उसने हिंदुओं के साथ जो है वो कर व्यवस्था में जो है काफ़ी कड़ाई से जो है कर वसूला और इसके लिए उसने जो है पुनः जो है जजिया प्रथा को शुरू कर दिया था। लेकिन जजिया प्रथा को शुरू करने के साथ साथ उसने टैक्स को कई रूपों में बांट दिया था, यानी जिसकी ज़्यादा इनकम है उसे ज़्यादा टैक्स देना होगा और कम इनकम है तो कम टैक्स देना होगा। इस क्रम में आप आज के स्थिति को भी देख सकते हैं कि टैक्स के कई स्लैब बने हुए हैं, कई खंड बने हुए हैं और उनके टैक्स की मात्रा जो है अलग अलग है। उसी तरह की व्यवस्था उस समय भी देखी गई है। आइए देखते हैं इसको। उसने कहा कि अगर 200 दिरहम से कम आए हैं तो उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष जो है टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
अगर 200 से लेकर के 10,000 दिरहम तक की आय है तो उसे 24 दिरहम प्रति वर्ष जो है वो टैक्स के रूप में चुकाना होगा, और अगर 10,000 दिरहम से अधिक की आय है तो उसे 48 दिरहम जो है वो प्रति वर्ष टैक्स के रूप में चुकाना होगा। हालांकि उसने थोड़ी सी इंसानियत बरतते हुए इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, भिखारी, स्त्रियां आदि के लिए जो है टैक्स की छूट रखी थी, उन्हें टैक्स नहीं देना था। तो इस प्रकार से गुलाम, बच्चे, महिलाएं और जो भिखारी थे, अपाहिज थे पूरी तरह से, उन लोगों को जो है वो छोड़ दिया गया था, उनको टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन हिंदुओं पर ये टैक्स जो है वो पूरी तरह से लगाए गए थे और जबरन वसूले भी जाते थे। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि औरंगजेब के परिचय के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु जो कि उसके इस्लामिक कट्टर शासन व्यवस्था को दर्शाता है, लेकिन वह नैतिक रूप से काफ़ी उच्च था क्योंकि वो जितने भी मादक द्रव्य थे उससे दूर रहता था। इसके अलावा जो स्त्रियों से संबंधित जो उसकी व्यवस्था थी वो अन्य मुगल शासकों की तुलना में काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण उसे जिंदा पीर कहा गया है। और प्रमुख विद्रोह एवं विजय, किसने किसने उसके खिलाफ विद्रोह किया, कैसे कैसे उसने अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह को दबाया और जीता, और फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम से जुड़े हुए अन्य पॉइंट जो औरंगजेब से जोड़ करके पूछते हैं। अगर भारत के मैप पर अगर आप ध्यान देंगे तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वो अफगानिस्तान सीमा प्रांत क्षेत्र से लेकर के भारत के जो है दक्षिण भारत में आएंगे तो कावेरी नदी तट तक का जो सीमा था वो औरंगजेब के कब्जे में आ चुका था। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो उसने संभाला था, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही यह पूरी चीज़ से विखंडित हो जाता है। तो अगले वीडियो के रूप में जो है मैं फिर से आपको जो है उत्तर मुगल काल का वीडियो अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको जो है मैं उसके लिंक दे देता हूँ जिसके कारण आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उत्तर मुगल काल का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो औरंगजेब के बाद का जो समय आता है वो उत्तर मुगल काल का ही आता है, और फिर मैं जो है 2-3 दिनों के अंदर जो है आपको मुगल प्रशासन से संबंधित वीडियो अपलोड कर दूंगा। फिर वहाँ पर जाते ही मध्यकालीन भारत आपका जो है समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा मध्यकालीन भारत का सीरीज जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि पता चल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।